नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आप आ गए हैं मेरे एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी जीव विज्ञान संबंधित पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कम्प्लीट डिस्कस किया था। अब यहाँ पे फिर से हम लोग सभी जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर पूछे आते हैं, उनका मैंने कलेक्शन लिया है और मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है। ठीक है, पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी असामान्य वृद्धि यानी कि जो उसकी इनलार्जमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आयोडीन, लौह, कैल्शियम और पोटेशियम। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपका थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि के बारे में आपको पता होगा, आपको ये चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी दोस्तों, कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, और ये आपका थायराइड हार्मोन में कभी भी जो आपकी फ्लक्चुएशन आएगी या बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो किसकी वजह से आएगी, आयोडीन की कमी से ही आएगी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमारा थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो जाएगा और हमें घेंघा नामक रोग जो होता है दोस्तों वो इसी कारण से होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है उसकी असामान्य वृद्धि हो जाती है। तो हमारे डाइट में प्रॉपर आयोडीन होना चाहिए। अगर हमारे डाइट में लौह तत्व की कमी है यानी कि आयरन की कमी है तो क्या होगा, आपको इसका आंसर खुद ही पता होगा कि एनीमिया नामक रोग होता है जब हम लोगों को लौह तत्व की कमी होती है। ऐसा क्यों होता है, एनीमिया में ऐसा क्यों होता है कि हमें रक्त की कमी हो जाती है। देखिए, रक्त का जो सबसे मेन भाग है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, हम लोग जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका रक्त में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि हमारे जो लौह तत्व की बात करें, तो हम लोग अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, तो इसके स्ट्रक्चर में आपको सेंट्रल जो आपका मेटल होता है वो आयरन होता है और बाकी आपके जो है ऑक्सीजन इससे आपका जो है जुड़ा होता है। तो अगर सोचिए, हम अपने डाइट में हमारे शरीर में हम लोग आयरन नहीं लेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन प्रॉपर बन ही नहीं पाएगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रक्त कहाँ से बनेगा, तो यही दिक्कत होती है। इसी वजह से लौह तत्व की कमी से हम लोगों को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे हड्डियों में जो भी प्रॉब्लम आती है वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम की कमी से आती है। ठीक है, तो कैल्शियम भी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोटेशियम हमारे बॉडी में दोस्तों आयन एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है करती है। तो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में दोस्तों पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सारी जो भी हमारे जैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जो गैसेस हैं वो इकट्ठा हो जा रही हैं, और जो एक हमारा हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल पॉल्यूट होता जा रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इनमें से चारों में से कौन सी गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, ओजोन और जलवाष्प। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बाकी के जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये लोग, जलवाष्प थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ इन लोग का भी, बाकी गैसेस का भी हाथ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पे, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या फिर ऑक्सीजन की। तो नदी में जो जल प्रदूषण होता है उसके निर्धारण के लिए हम लोग किस चीज़ की घुली हुई मात्रा को चेक करते हैं एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि किस चीज़ की घुली हुई मात्रा को हम लोग चेक करते हैं, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की जो है घुली हुई मात्रा को हम लोग हमेशा निर्धारित करते हैं कि जल प्रदूषण कितना है। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पूछा गया है कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए, 214, 206 और 253। तो पूछा गया कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, आपको बताना है कि जो शिशु होते हैं उनमें हड्डियों का नंबर कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है। पूछा है कि इसके इन्फ्लुएंजा का जो मतलब पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है।
मतलब क्या उसका कारक है, विषाणु है, जीवाणु है या फिर कोई फंगस है, तो किस कारण से इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में दोस्तों आप देख रहे हैं, एक दिया हुआ है विषाणु यानी कि वायरस से, कवक यानी कि फंजाई से, शैवाल से, पूछा हुआ है एल्गी से या फिर आपका बैक्टीरिया से। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है दोस्तों वो आपका किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। और आपको मैं बता दूं कि इन्फ्लुएंजा हम लोग नॉर्मल जुखाम को बोलते हैं, जो हम लोग को सर्दी जुखाम होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं। और दोस्तों ये होता कैसे है, ये हमें H1N1 वायरस की वजह से होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, H1N1 वायरस नाम है इसका, जिसकी वजह से हम लोगों को इन्फ्लुएंजा जो है वो होता है। ठीक है, अब देखिए आपका कवक जो है दोस्तों, कवक के वजह से होने वाला कौन सा रोग है, अब हम लोग को नॉर्मल जो फंगस से होता है, फंगस से हम लोग को एलर्जी होती है, आपको पता होगा हम लोग को नॉर्मल जो एलर्जी होती है वो फंगस की वजह से होती है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए क्या है आपका कि हम लोग को जो बैडनेस होती है, जो टकलापन होता है, जिसके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, तो वो भी फंगस के इन्फेक्शन के कारण ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जैसे कि मैं अगर आपको टीबी का नाम लूँ, तो टीबी के से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती होंगी। तो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि टीबी का फुल फॉर्म क्या है और टीबी होता कैसे है। ठीक है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा होगा कॉलेरा नामक रोग होता है। ठीक है, हैजा इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो कॉलेरा जो है वो आपका किसकी वजह से होता है, वो विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपने टाइफाइड पढ़ा होगा, तो टाइफाइड सोल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, सोल्मोनेला टाइफी इसको हम लोग लिखते हैं, एस टाइफी हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सभी ऑप्शन के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विटामिन एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, विटामिन से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% गारंटी है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आप विटामिन जहाँ से भी पूरा पढ़ सकते हैं उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। मैंने अपने चैनल पे भी पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, विटामिन संबंधित सभी अपडेट मतलब जो भी जानकारी होती है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे पूछा, देखिए जो विटामिन होता है दोस्तों जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील होता है, दो प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, तो अब उसमें आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे कि आपने इसी में पढ़ा होगा कि आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि विटामिन ए के बारे में पढ़ा होगा कि इसकी कमी से हम लोगों को रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी का आपने पढ़ा होगा कि इसकी कमी से हम लोगों को क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं। ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कितने विटामिन जो है जल में घुलनशील है, कितने विटामिन आपके वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, अब आपको इसका सही ऑप्शन खुद ही आप बता दीजिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा इस पर बताने की ज़रूरत है। मैं आपको एडिशनल चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी बहुत आसान है, तो मैं आपको एडिशनल चीज़ें बता देती हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि रेलवे का एग्जाम अगर हम लोग ले दोस्तों, तो रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा गया, बार बार आपका रासायनिक नाम पूछे गए थे। तो हम लोग अगर ले लें विटामिन ए का, ठीक है, तो विटामिन ए का पूछा गया था दोस्तों, रासायनिक नाम पूछा गया था, तो रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल क्या होता है आपका, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें अगर विटामिन सी की, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है विटामिन डी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शीफेरॉल, ठीक है, कैल्शीफेरॉल नाम होता है विटामिन डी का साइंटिफिक नेम। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, तो टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल जो है दोस्तों ये आपका क्या होता है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम हो जाता है। ठीक है, तो सभी साइंटिफिक नेम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छा, कमी, इसकी कमी से होने वाले रोग जब पूछेंगे दोस्तों, तो आप याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से आपको पता है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है हम लोगों को, और विटामिन डी की कमी से हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए छोड़ के जा रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप कितने मन से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हम लोग को ओजोन, जो ओजोन हमारी लेयर है, उसकी अगर हम लोग को मोटाई नापनी है तो हम लोग कौन सी इकाई का यूज़ करेंगे। दोस्तों मैंने आपको इकाई और मात्रक का भी पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाया हुआ है अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने आपको सभी SI यूनिट के बारे में भी पढ़ा दिया है। यहाँ पे नाम आया इकाई का तो मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दूँ। तो देखिए डॉप्सन जो होता है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, डॉप्सन जो है इससे हम लोग ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें,
बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि टमाटर लाल रंग का क्यों होता है, बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी लाइकोपिन जो है ये टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन दोनों ही चीज़ें आपको टमाटर में मिलेंगी, जब भी आप टमाटर के बारे में अगर कहीं भी पढ़ेंगे तो लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन दोनों मिलता है। बीटा कैरोटीन आपको गाजर में भी मिल जाएगा, ठीक है, गाजर में भी आपको बीटा कैरोटीन मिल, कैरोटीन प्रोटीन जो है हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, कैरेट में, यानी कि गाजर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए। अच्छा, एक ऑप्शन बचता है हमारे यहाँ पे, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के बारे में आप मुझे बताइए कि एंथोसाइनिन आपका कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अध्ययन से संबंधित भी बता चुकी हूँ। तो साइटोलॉजी जो है दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। साइटो का मतलब हो गया सेल। देखिए आप एक ऐसे भी नॉर्मल सोच सकते हैं, साइटो का मतलब आपका सीधा सीधा आप सेल से ले सकते हैं, और जो सेल का हमारा अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जीवाणुओं का अध्ययन, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका कि पहला ऑप्शन में जीवाणुओं का अध्ययन पूछा हुआ है, तो जीवाणुओं का अध्ययन हमेशा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रोबायोलॉजी नाम सुने होंगे ना, माइक्रो मतलब जीवाणु और बायोलॉजी, तो जीवाणुओं का अध्ययन हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो कोशिकाओं का अध्ययन है ये आपका किस में आ जाता है, साइटोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, किस भाग में होता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम। देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने प्रकाश संश्लेषण बहुत बार पढ़ा होगा, एक सिंपल चीज़ आपने पढ़ी होगी अब तक कि क्या होता है कि जो हमारा कोई भी प्लांट होता है तो वो क्या करता है, पौधे में जो पत्ती वाला भाग होता है, पत्ती वाला भाग पूरा आपका जो सूर्य की जो प्रकाश आता रहता है सूर्य का, उसको ट्रैप करेगा, उसको कैप्चर करता है। उसके बाद नीचे से जो पौधे में जो जड़ होता है, जड़ पानी लेता है, और उसके बाद वो हमारे पूरा एक प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया जो है हमारे पौधों में होती है, ठीक है। तो वो कहाँ होती है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, बहुत बेसिक चीज़ है ये। क्लोरोप्लास्ट आपका पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, जो कि क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करेगा या फिर उसको ट्रैप करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो जो भी आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की, यही एक पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन अच्छा सा लिख दे रही हूँ प्रकाश संश्लेषण का, ताकि आप उसको याद रखें, ठीक है। CO2 जो है वो कहाँ से लिया गया, ये आपका लिया गया जो हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे, प्लस आपका क्या हो गया, जो भी आपके जो जल लिया गया, ठीक है, H2O ले लिया गया, ठीक है। इसके बाद आपको मैं अब आके ऊपर चीज़ें लिख दे रही हूँ, सनलाइट की एनर्जी यहाँ मिल रही है, यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी के प्रेजेंस में, ठीक है, ये सनलाइट है, इसके प्रेजेंस में क्या बन जाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस आपका ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है। ये सिंपल सा पूरा एक हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरी आपकी जो है रिएक्शन होता है, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या होता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वाला कौन सा भाग होता है ये आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो है जो भी माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका में पाया जाता है, उसका काम क्या होता है, ऊर्जा संचित करना, ऊर्जा को संचित करना ATP के फुल फॉर्म में। अब ATP का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइएगा कि ATP के फॉर्म में कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका ATP के फॉर्म में ऊर्जा बना रहा है, ठीक है, और आपको ATP का फुल फॉर्म मुझे बताना है। न्यूक्लियस वाला जो भाग होता है यानी कि केंद्रक वाला जो भाग होता है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि इसमें सारे जो आनुवांशिक चीज़ें होती हैं वो किस भाग में हो जाती हैं, न्यूक्लियस में होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपको बाकी के ऑप्शंस भी क्लियर रहेंगे तभी आप अपना सही ऑप्शन चुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका
निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। आपको बताना है कि किस चीज़ का जो है फॉर्मेशन या सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है एंजाइम, चौथा ऑप्शन है हार्मोन। दोस्तों मैंने आपको बेसिक चीज़ें भी, डिफरेंसेस वगैरह भी पढ़ाए हुए हैं, एंजाइम हार्मोन का डिफरेंस पढ़ाया है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी इस चैनल पे जीव विज्ञान के जो भी मैं वीडियोस मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं उससे संबंधित हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। आई होप कि आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती है कि पढ़ लिया ऊपर ऊपर का याद हो गया तो वो जान गए, नहीं, उसको हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पूछा गया किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो देखिए प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो भी हमारे शरीर में होता है। ठीक है, हमारा पूरा बॉडी जो डीएनए है वो भी प्रोटीन का ही बना है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी में है। एंजाइम भी हमारे बॉडी में हर जगह होता है, चाहे आप कोई भी जगह ले लीजिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारा एंजाइम यूज़ होता है, और भी बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर में होते हैं जो हमारे शरीर में ही बनते हैं। हार्मोन भी हमारे शरीर में ही रिलीज़ होता है, आपको पता होगा कि जो हार्मोन होता है वो भी हमारे शरीर में रिलीज़ होता है। विटामिन एक ऐसी चीज़ है, विटामिन ए, जिसमें से कि विटामिन ए सिर्फ ऐसा है ये हमारे शरीर में नहीं बनता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, अब आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, यानी कि इसका जो मैंने, क्योंकि आपको रासायनिक नाम बहुत बार पढ़ाया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आप सुने होंगे, विटामिन मैंने पूरा विटामिन पढ़ा दिया है आपको, तो विटामिन ए का आपको साइंटिफिक नेम बताना है, इसका रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स होता है, अब आपको बताना है कि एड्स जो है वो कैसे होता है, जीवाणुओं से होता है यानी कि बैक्टीरिया से, फफूंद से, या फिर आपके फंगस से हो रहा है, या फिर आपके फ्लैट वॉर्म से हो रहा है यानी कृमि से हो रहा है, या फिर आपके विषाणु यानी कि वायरस से हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, इसका पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया था टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वहाँ अगर आप वो पीडीएफ पढ़े होंगे, देखिए पीडीएफ प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि देख लिया उसको, चलिए ठीक है आ गया, नहीं, उसको देखा करिए, उसको पढ़ा करिए। तो जो आपका, देखिए जीवाणुओं से होने वाले रोग कुछ होते हैं, कुछ आपके फंगस से होने वाले रोग होते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, एड्स हमारा किससे होता है, विषाणुओं से होता है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो देखिए वायरस ज़्यादातर कैसे आपका फैलेगा, एक बेसिक चीज़ आप समझिए कि हमेशा वायरस हम लोगों को एयर के कॉन्टैक्ट में से मिलता है। ठीक है, एयर का कॉन्टैक्ट में हम रहेंगे, वायरस अपने आप एयर के थ्रू फैल जाते हैं। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया का क्या सीन है, बैक्टीरिया जो है ये, इसको कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए होता है, या तो ये आपका वाटर के थ्रू आएगा या फिर आपके फूड के थ्रू आएगा, कुछ ना कुछ के थ्रू ये जो है आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे जीवाणुओं से होने वाले रोग, तो आपके पास नाम गिनाने के लिए बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि आपका हो गया ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आप नाम ले सकते हैं, टाइफाइड का ले सकते हैं नाम, ठीक है, और आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं, लेप्रोसी का ले सकते हैं, तो ये सारे आपके ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं से होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि टीबी जो होता है, टीबी वो उसका वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब लाइव क्लास लिया था तो ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फफूंद से। तो अब आपको फंगस से होने वाले किसी रोग के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या हो सकता है, तो बहुत सारे रोग होते हैं। एक तो हमें जो एलर्जी होती है, तो दांत खाज हो जाता है, वो भी हमारा फफूंद के कारण होता है, और जो हम लोगों में टकलापन होता है, वो भी फफूंद के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके कृमि से होने वाले रोग, एस्कैरियसिस नामक रोग होता है, जो कि हम लोग को कैसे होता है, एस्कैरियसिस नामक रोग जो होता है, एस्कैरिस लुम्बरिकेट्स की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि वो आपका एक केचुए की ही प्रजाति होती है, उसकी वजह से होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जिनमें रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं। अब देखिए आपको तिलचट्टा आपने देखा होगा, ठीक है, उनमें भी ब्लड होता है, हालांकि कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन होता है इसमें भी, केचुए में भी आपका होगा, मछली जो है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रा एक ऐसा जो है जीव होता है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं, और हाइड्रा में आपका जो है पुनरुद्भवन होता है, आपने देखा होगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। ठीक है, पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो हमारे शरीर में कहाँ पे बनती हैं। चार ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, आंसर साथ साथ सोचते हुए चलिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, लेकिन अगर आपके दिमाग में आंसर पहले आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यकृत, हृदय, अस्थि मज्जा और प्लीहा। ठीक है, तो RBC का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे शरीर में होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन मैरो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लिवर। अब देखिए लिवर का क्या है, लिवर जो है हम लोग जितनी भी चीज़ें लेते रहते हैं एक्सेस में, जैसे हम जो भी चीज़ खाते हैं उन सभी को जो है उसका ब्रेक डाउन करने का काम करता है लिवर। ठीक है, तो ये चीज़ इसका एक फंक्शन है, और उसके बाद आपका यूरिन फॉर्मेशन में भी ये हेल्प कर देता है। अब हम लोग हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट का आपको पता होगा कि ये बस आपके जो है ब्लड पंपिंग में यूज़ होता है हार्ट। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन बताइए कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हृदय में कुल कितने वेश्म होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं, आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लीहा जो होता है दोस्तों, ये आपका इसको हम लोग जो है RBC का, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको हम लोग ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसको हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ RBC बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी पुरानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो इसी में बनती हैं, और फिर उसके बाद इसी में न्यू बनती हैं, और पुरानी जो डेड सेल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे कुछ आपके जो हैं क्वेश्चन हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और इसी प्रकार के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, और आप प्लीज़ इसको रेट रिव्यू करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अपने जो है अपने रेट रिव्यू कहने का सेंस मेरा ये है कि आप रेट इन द सेंस कि आप अपना फीडबैक दें, या हम ये कह सकते हैं कि आप जो है आप दोस्तों को भी दें, और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करिएगा। ये आपको बताने की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आप डेली अगर हमसे इंटरेक्ट रहेंगे तो हम लोग डेली ऐसे अच्छे अच्छे लेसन्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पूरे वीडियो में, जहाँ पे अभी कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ था, लाइव क्लास के दौरान भी हमने आपको नंबर बताया था, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पर @SikshaCity करके सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। इन सभी चीज़ों का PDF वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।